गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अलसी मींस फ्लैक्स सीड्स के बारे में बात करेंगे और यहाँ हम रोस्टेड और सॉल्टी जो मेरे पास है, टेस्ट में बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूँ, इसको मैं एज अ हेयर डाइट की तरह से यूज़ करती हूँ, बालों को हेल्दी बनाने के लिए जो डाइट होती है उसके तौर पर इसको यूज़ करती हूँ। मेरे को जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली ड्यूरिंग 6-7 मंथ अर्लियर बहुत ज़्यादा एलोपैथी मेडिसिन या किसी न किसी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, कभी थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, कभी टमी इन्फेक्शन हो गया, तो बहुत एलोपैथी कंज्यूम करने की वजह से आई हैड अ वेरी सीवियर हेयर फॉल का प्रॉब्लम। तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था एंड आई हैव सीन माई हेयर जस्ट लेफ्ट अबाउट 50% रिडक्शन, आई मीन लाइक बहुत कम हो गए थे। देन मैंने ये रोस्टेड अलसी कंज्यूम करना चालू किया। एवरी मंथ आई यूज टू फिनिश दिस वन बॉक्स एंड स्टार्टेड ग्रीन टी। एंड इसके अलावा काफ़ी प्रोटीन बेस्ड डाइट मैंने लेना चालू कर दिया था, उसमें पनीर हो गया, एक या दो ग्लास मिल्क हो गया। एंड ये सब अगर मैं छोड़ूँ, बात करूँ कि इसको किस तरह से अलसी को कंज्यूम करना है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है सॉल्टेड एंड रोस्टेड। अगर आप प्लेन वाला लेंगे तो आप इजीली कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, उसका पाउडर बना के आप किसी अदर फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं, लाइक आप अपने सैलेड में डाल सकते हैं, बट ये रोस्टेड काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं दूसरी चीज़ बात करूँ, मेरे हेयर्स के ग्रोथ में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। अप्रॉक्स जितने हेयर फॉल हुआ था उतने बेबी हेयर्स आ चुके हैं। उसका इन दोनों डाइट लाइक ग्रीन टी एंड अलसी के अलावा मैंने अदर चीज़ें भी फॉलो करी थी। ड्यू टू यू नो बहुत ज़्यादा एलोपैथी कंज्यूम करने की वजह से बहुत बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक इतना आपके इंटेस्टाइन इतना स्ट्रांग नहीं होता है या बहुत ज़्यादा ज़्यादा इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो आई हैव वेंट टू पतंजलि कंसल्टेशन वैद्य, वहाँ बैठते हैं उनके स्टोर पे, तो दे गिव यू नो कुछ मेडिसिंस, लाइक मेरे पास यहाँ पर है, मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मैंने ली हैं आरोग्य वर्धनी, मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, काइंड ऑफ इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट। नीम वटी है मेरे पास यहाँ पे, वो मैंने कंज्यूम करी है 1 या 2 महीने। और यहाँ पे मेरे पास ये किशोर आदि गूगल, आई मीन मैं ये नहीं बोलूँगी तीनों मेडिसिन आपको कंज्यूम करनी है, बट अगर आप पतंजलि के स्टोर पे जाके या वैद्य से आयुर्वेदिक की तरफ, अगर आप पतंजलि भी नहीं लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक, ये भी बेसिकली अलसी जो है वो आयुर्वेदा के अंदर आता है, इसमें लिखा है वैद्य से कंसल्ट करें यूज़ करने से पहले, बट ये बेसिकली हेयर डाइट में इंक्लूडेड होता है अलसी। इसके बहुत अदर बेनिफिट भी हैं, वेट लॉस, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर लेवल को भी ये कंट्रोल रखता है। एंड तो ये सारी तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की हुई हैं, तो इसके बेनिफिट्स हैं डेफिनेटली, ये मेरे हेयर की इम्प्रूवमेंट में बहुत इसने हेल्प करी है। बट अबव एंड दैट मुझे आयुर्वेदा ने बहुत हेल्प किया है ड्यूरिंग यू नो ऑल दिस प्रॉब्लम। मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिंस बहुत ली हैं, आई मीन कभी लाइक स्टमक इन्फेक्शन है तो आई यूजली गो फॉर आयुर्वेदा, तो उससे मेरे बेबी हेयर्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। मैं पर्टिकुलरली ये नहीं बोलूँगी केवल अलसी, इवन लाइक दीज आयुर्वेदिक मेडिसिंस एंड माय डाइट ने बहुत हेल्प किया और बहुत ज़्यादा हेयर लाइक बेबी हेयर्स ग्रोथ हुआ, हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप हो चुका है। तो इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर एलोपैथी, फॉर कीप ऑन गोइंग यू नो हैविंग मेडिसिंस, मल्टी विटामिन भी लेना है तो गोइंग फॉर एलोपैथी, तो इट्स नॉट दैट गुड। आयुर्वेदा हैज़ गॉट ऑल द सोल्यूशंस, जितनी भी प्रॉब्लम होती है आयुर्वेदा में है, अगर लूज मोशन भी होते हैं तो आयुर्वेदा हैज़ गॉट मेडिसिन, वो आपको 2 घंटे में आपका लूज मोशन स्टॉप कर सकते हैं अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन से। स्टमक इन्फेक्शन है पर दे हाँ, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन कंज्यूम करने में थोड़ी कड़वी होती है, ईजी नहीं होता है, बट लॉन्ग रन में यू नो अगर आपने एलोपैथी मेडिसिन कंज्यूम करी है हेयर फॉल बहुत होगा, बिलीव मी मैंने खुद ये चीज़ देखी है अपने लिए, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो ये सब अगेन लौट के मुझे आयुर्वेदा पे ही आना पड़ा और मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट लगा है अपने हेयर ग्रोथ पे, तो थैंक यू सो मच। आप ट्राई करें, ग्रीन टी ट्राई करें, रोस्टेड अलसी ट्राई करें, और कुछ वटियाँ होती हैं जो टैबलेट्स होती हैं इजीली कंज्यूम की जा सकती हैं जो मेरे पास यहाँ हैं, ये नहीं बोलूँगी कि आप इनको लें, आप जाइए वैद्य से कंसल्ट कीजिए कि हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे और आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो बेसिकली हेयर डाइट से रिलेटेड था। पालक आप कंज्यूम कर सकते हैं, पनीर, मिल्क
ये सारी चीज़ें डाइट है, ग्रीन टी बहुत अच्छी रहती है, हेयर ग्रोथ आपको 1 month में ही दिखने लग जाएगा, ये मेडिसिन आप मत कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि मैं अदर स्टफ्स के लिए भी इनको लेती हूँ हल्के फुल्के इन्फेक्शन में. नीम वटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किशोरादि गूगल बहुत अच्छा होता है, इवन लाइक आरोग्यवर्धनी तो कोई भी ले सकता है, अगर जो बार बार जो बीमार पड़ते हैं उनके लिए अच्छा है. तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ. मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं. थैंक यू सो मच, बाय बाय.